हेलो गाइस, आई होप आपको हमें व्लॉग स्टार्ट अच्छा लगा होगा। कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए यार, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो मुझे बोलना क्या है, हम कहाँ हैं, पहले कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज है पांडवास परफॉर्मेंस यहाँ पे और पहुँच चुके हैं टिहरी एक्रो फेस्टिवल। गुड मॉर्निंग। सब अपने पोस्टर को निहारते और ये यहाँ पे मैं भैया की मुंडी के कटी हुई पोस्टर में देखो। नहीं आ रहा यार, मेरे पोस्टर में फोटो ही नहीं है। अरे दीपक भैया, और दीपक भैया को बड़ा दुख हुआ ये देख। कोई बात नहीं दीपक भैया, नेक्स्ट टाइम हम आपका अलग से एक पोस्टर बनवाएंगे, सिंगल पोस्टर बनवाएंगे हम आपका। सुनो, हाँ तुम्हें कुछ दिखाना है, महसूस कराना है। आओ अभी स्टूडियो आओ। स्टूडियो। और कैसा लगा आपको मेरा नया लुक? लग रहा हूँ ना मैं एकदम झिकैस। तो हम लोग फिर से साथ हैं और मजा आ रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं 5 मिनट पहले यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा बहुत मजा आ रहा है। ये है हमारी दोस्ती। तो अब आपको दिखाते हैं स्टेज, जो कि काफी बड़ा है। Let's go. ये रहा एंट्रेंस। वेलकम टू टिहरी एक्रो फेस्टिवल 2023। ये था मेन गेट एंड वो रहा स्टेज। तो ये रहा पूरा स्टेज और ये देखिए। चलो हंडो असेंबल। क्या शूट कर रहे हैं? बंद करेगा ना। और अभी हमारी 2 पेटियां रह चुकी हैं। और ये क्या हो रहा है? तो आ गई हमारी पेटी पूटी। बिहाइंड द सीन में। इसकी काउंटिंग गलत है, इसको काउंटिंग नहीं आती अनिरुद्ध को। मेहनत भरा काम, सांस आ रही तुझे? तू बैठ जा, मैं तुझे जलजीरा देती हूँ थोड़ा सा। विशाल स्टेज दिखाइए, विशाल स्टेज। ना स्टेज का नाम है विशाल। लैपटॉप स्टैंड हो गया, सारे लिया। हम स्टैंड लेने जा रहे हैं, अपनी बात का स्टैंड लेने। जा रही है एक मुझे ये करना, हम दोनों को बेटर नहीं है। बाकी कितने माइक्स की पैचिंग हो गया अनिरुद्ध? हाँ, के शिवानी के और शांता के अलावा सारे अपने माइक केबल और इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को स्नेक बॉक्स में डाला देते हैं, ठीक है? ओके। सुशांत ये क्या कर रहे हो आप? ये हम स्टेज बॉक्स में इनपुट्स दे रहे हैं म्यूजिशियंस के इंस्ट्रूमेंट्स के। यहाँ से स्नेक केबल से मिक्सर में जाएगा। आइडियली ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमारा मिक्सर और ये स्टेज बॉक्स दूर है। अभी पास ही है बट स्टिल वाला हो गया है। आलू क्या कर रही है? पुरानी आलू। ठीक है ठीक है। और ये मेरा पैडल है, ये मेरा गिटार है। अरे लग गया प्रशांत जी, लगनी सिंह कपूरी। काम अभी भी चल ही रहा है हमारा। 11:12 हो रहा है। ऐसा है कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा है ना। और सलील भैया, कुणाल भैया लोग भी हमारे साथ हैं। अगर वो लोग रहते तो वो भी हमें हेल्प आउट करते, तो इस वजह से तो थोड़ा व्लॉग करने में आसानी होती है। पावर आ गई है उधर। पावर आने के बाद अब हम लोग एक बार चेक करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल। भैया इनको कौन सा माइक कहते हैं हम? क्लिप ऑन। आज हमारे क्लिप ऑन माइक यूज़ हो रहे हैं ढोल पे, तो पहली बार ही हो रहे हैं। नहीं हाँ, विल गो फुल वायरलेस। यस। तो लो जी, ढोल भी हमारा रेडी हो रहा है। जब भी मैं दीपक भाई के पास आ रहा हूँ, भैया लगे हैं अपनी उलझनों को सुलझाने में। कम्प्लीटली मेरा लगभग लग चुका है। तो पहला सेटअप होता है जो मेरा लग जाता है। एक तो पूरा कोरस वाला है, फिर बता दिया अगर यार सुनने लगना होता है। बाल ठीक करने। तो राखी जी आप ये बताइए मुझे, आपको इतने टाइम के बाद शो करके कैसा फील हो रहा है? लोग आपसे बहुत अरे यार ये कहाँ से आ रही, तू भाग यहाँ से। तो आपके पास कौन कौन सी स्केल की चाटियाँ हैं? C मेजर कॉर्ड, D मेजर कॉर्ड। टू बी सीरियस, C शार्प। ओके हाँ, तू भी कुछ बोल ले, बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, बोल ले। दीपक जी आप क्या लेने आए हैं? मुझे तो जरूरत थी एक मीडिया केबल की, जो हमने शायद गलती से छोड़ दी। तुमने हमको ब्रिजेश भाई ने, थैंक यू भैया, दे दी है, उपलब्ध करवाई। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो भी हो रहा है साउंड चेक। तो फाइनली हम लोग का साउंड चेक हो चुका है खत्म। ये स्क्रीन हर बार की तरह और ये मैं हर बार की तरह। एक यार हुड़का रह गया, मैं पैच करके दे दूं, बस हुड़का चेक कर लो। हाँ ये बता 9 नंबर पे भाई। 9 नंबर सिंगिंग 9 नंबर पे हो रखा है। ये बता नाम है शिवानी स्टार्ट कर। हाँ यहाँ पे चल रहा है गाने का सीक्वेंस। और ये हमको मिल गए इन ईयर्स, वायरलेस है। मैं तो फुदक ही सकता हूँ इधर उधर। ऐसा लग रहा है आपको वायरलेस इन ईयर पाके? नहीं कुछ नहीं, वॉल्यूम बढ़ाओ जरा, उसका वॉल्यूम बढ़ाओ। तो चलिए अब कुछ खाते हैं एंड देन बज आते हैं मोरा स्टेज। कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए यार, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अरे कल हुआ था ना एक यार, कल हुआ। अरे वो तो नॉर्मल है यार। ये वाला जो सामने आ रहा है ये बंदा ये अरे वो तो कहाँ गया भाई? आप ही थे क्या? वो क्या हुआ, सब ठीक है? परफेक्ट। चलो गाइस ठीक है, खुला तो हाइट कम थी। ओके 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 ठीक है। हेलो, तो हम आ चुके हैं खाना खाने के बाद अपने होटल्स का नाम है होटल मनार। Here we are, होटल कब्रिस्तान मनार। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। क्या बात करो, कितने के? 800 रुपए के। अरे भाई आपने नए मंगाए? हाँ, अरे वो खराब ही हो गए थे। 4000 रुपए थे पर आया भी एक ही दिन। ये चुगली द बॉयज। और ये सामने चप्पल पहने हैं। वाह, और देखिए चांद। तो ये आ चुके हैं हम अपने ग्रीन रूम में, लेकिन ये तो व्हाइट है। ओह सॉरी अनिरुद्ध। ये श्रेष्ठ है, ड्रमर है, ये सबसे छोटा हमारे ग्रुप में। ये राकेश है और ये परकशन है, ये दीपक और ये कीस पे है। फिर शिवानी भागवत, इसलिए मैंने शिवानी और भागवत करा हुआ है। हाँ तो दोनों का नाम सेम है। ये शिवानी और ये अनिरुद्ध है, ये ब्लॉगर है, ये पार्ट टाइम हमारे साथ किताब जानता है। शांत चलो। डांस भी होगा भाई, तचा के ला रहा है। अलग ही स्वैग है भाई आज का। तो आज ना बहुत बैंकरी सीन है यार। ठंडी हवा पानी बांध की जोड़ू रे, वो ठंडी हवा डाल की ये, वो ठंडू पानी बांध की जोड़ू रे। कर लो भाई लिटरली ना मेरे ना कान जा चुके हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, इतना भयंकर क्राउड है ना। और अभी भी चला रहे हैं वो लोग। अब हम जा रहे हैं बैक स्टेज। भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बहरा हो गया हूँ लिटरली। ओ भाई क्या था ये, बहरा है भाई, बहरे लिटरली भाई, कुछ नहीं सुनाई, भाई कुछ नहीं, मेरे को भी अभी भी कुछ सुनाई थोड़ा दे रहा है। इंजीनियर साहब हमारे, क्या बात है इंजीनियर साहब, ऐसे जरा मुख दिखा दो, क्या बात है, मजे मजे बिल्कुल। 23 तारीख को फिर से मिलेंगे। अच्छा अब हम लोग जा रहे हैं फाइनल स्टेज पे एंड वी कैन रॉक अगेन। और ये दोबारा से हम लोग स्टेज पे आए। फोटो सेशन चल रहा है हमारा। अनुज को इंसिडेंट हुआ कि अनुज जी मेरे पास आए, उन्होंने मेरा हाथ मिलाया और बोला कि बहुत अच्छा गाता है। तो मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि मैंने गाया क्या। हम सबके फैन हैं, बजाया तो देख सकते नहीं नहीं भाई ने कहा घुगुती बसूती। और सबसे पहला गाना है केदारनाथ। दिल टूट गया यार आज। मोए 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 दूसरा बजना। तो चलिए खाना खाने के बाद हम लोग अपना लास्ट काम कर रहे हैं, पैकअप। ये सारा सामान अब हमें समेटना है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग समेटने जा रहे हैं। लेट्स गो पंडो। फाइनल चेक कर रहे हैं हम लोग स्टेज का, कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई मज़ा ही आ गया यार आज तो, क्या ही बताऊँ मैं। वाह हर बार की तरह इतना भयंकर, इतना क्राउड था ना यहाँ पे। वाह चेयर तो सीधे सीधे खाली रख देनी है, वैसे सही है। लास्ट एंड मोमेंट है। टिहरी के दर्शन कराते हैं आपको। सुबह की शुरुआत एक बहुत अच्छे व्यू के साथ, नज़ारे के साथ। देखिए वो नीचे डैम है, ये नीचे THDC अगर आप देखोगे तो ये THDC का रेस्ट हाउस है नीचे, और ये आपका झील है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, आसमान है, पहाड़ है और झील है। ये वो वाली पेंटिंग लग रही है जो हम बचपन में बनाते थे। सेम ऐसे बनाते थे हम लोग, हमारे इमेजिनेशन पर हमारे नतीजा आसमानी हो जाता। रॉकी वेयर कैसा रहा कल का शो? कल का शो बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ गया। मुझे तो 2-3 घंटे तक कानों में ऐसी आवाज़ें आ रही थी। क्यों आता है लोगों को इतना मज़ा, ना क्यों ही करते हैं लोग इतना शोर क्यों करते हैं लोग इतना। जैसे ही गाजर बनाया था कि ये हमारे रिदमिस्ट है, इसलिए ये मुँह से रिदम ही बजाएंगे। अनिरुद्ध कैसा रहा शो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यू नो फ्रेम में आओ तो भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही सही, बहुत ही अमेजिंग। हर बार की तरह इतना प्यारा, इतने प्यारे लोग। 1-2 महीने का जितना भी गैप था, हम लोगों ने पूरे महीने की कसर कल निकाली है, पूरे महीने की। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और क्राउड इतना भयंकर था। अरे वो लोग फॉरनर भी नाच रहे थे, वो भी नाच रहे थे। आप देखिए समझ नहीं आ रहा है, वो तब भी नाच रहे थे। हाँ सीट में कोई नहीं बैठा, और उन्होंने सॉफ्ट सॉन्ग में भी वो खड़े होके सुना, उन्होंने फ्लैशलाइट्स निकाली, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यार। टिहरी के लोग लव यू, बहुत ही सही एक्सपीरियंस। हाँ चलो चलो अब हम लोग चलिए, फिर मिलता है फिर आपको। कीप स्माइलिंग, स्टे म्यूजिकल, बड़ों का ख्याल रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, और लाइफ में बहुत अच्छा काम करें और लोगों को भी इंस्पायर करें। कीप स्माइलिंग, स्टे म्यूजिकल, बाय बाय। इतना पड़ता है यार।